हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा बहुत हो रही है। बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनी है और यहाँ पर 2.25 लाख नौकरियों की अब चर्चा हो रही है शिक्षक विभाग में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि क्या ये नौकरी आपको मिल सकती है। बिल्कुल, नौकरियां अपडेट जरूर होंगी और ये बहाली की प्रक्रिया जरूर आएगी, लेकिन आप क्या इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं? बहुत सारे लोग क्या है कि अभी छठे चरण की प्रक्रिया में करीब योग्यता ना होने के चलते, काफी करीब 40 से 45 हजार सीट जो है वैकेंट है, जैसा कि आप लोगों को लगातार न्यूज में अपडेट मिल रहा होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो वो कहाँ से रिक्रूट करेंगे? अब उन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को ये बैकलॉग में डाल के नई प्रक्रिया, यानी कि जो 7वें चरण का प्रक्रिया होने वाला है आपका शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें अपडेट किया जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी बीपीएससी के माध्यम से 6,421 पदों का प्रिंसिपल का वैकेंसी निकाला गया था। अब उसमें जो है मात्र 421 छात्र ही सेलेक्ट हो पाए थे। अब वहां पे क्या तथ्य उठ रहा था कि सिलेबस हार्ड है या फिर उसका एग्जाम पैटर्न लेने का जो प्रोसेस है वो कठिन है, वहां पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप 1.5 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, उसमें मात्र 421 अभ्यर्थी पास कर पाते हैं और योग्यता रखते हैं, तो आपका वहां पे क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन फिर भी यहां सरकार आप लोगों के सामने झुकती है। सरकार फिर से उसी बहाली को, जो 6,000 पोस्ट बचे हुए हैं उस बहाली की प्रक्रिया को फिर से रिक्रूट कर रही है, और वो छात्र जो फॉर्म भर चुके थे उनको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है वहां पे, और वहां पे नए छात्र जो कि फॉर्म भरने से रह गए थे वो उस फॉर्म को भरेंगे, और उस 6,000 पोस्ट के लिए फिर से आपका एक बार जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम लिया जाएगा। तो जब योग्यता आपके पास है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह शिक्षक विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं, जो कि ये 2.25 लाख नौकरियों का अपडेट आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कॉमर्स के लिए कब तक वैकेंसी आएगी, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो टीचर हैं, मतलब काफी छात्र हैं यहाँ पे पूछ रहे थे। तो बिल्कुल आएगी, इस 7वें चरण की प्रक्रिया में भी हो सकता है कि कॉमर्स वाले छात्रों को डाला जाए, लेकिन नई नियुक्तियों में वो आएगी, क्योंकि जो एसटीईटी हुआ था आप लोगों का, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके छात्र जो सिलेक्टेड हैं उनका यहाँ पे 7वें चरण में होगा, और जो लोग वंचित रह गए 6ठे चरण में, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका भी होगा। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, योग्यता होने पर ही आपका चयन होगा। दूसरा बड़ा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, भू राजस्व विभाग की तरफ से 2700 नए पदों का सृजन किया गया है, और ये 2700 नए पद का सृजन होके मंजूरी भी मिल चुकी है कैबिनेट की, और ये जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए इन सब के अपडेट पे सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आज के खबर में ये अपडेट किए गए हैं। तो मैं आपको ये जो है पेपर जो है यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से अपटूडेट करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो खबर है आपका दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट किया गया है, और ये आज का ही खबर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, वित्त विभाग ने के फैसले के बाद कैबिनेट में जाएगा ये प्रस्ताव। तो ये जो 2.25 लाख का अपडेट है ना, अभी कैबिनेट में जाना है, इसका मंजूरी मिलना है, और आपको यहाँ पे इस नई वैकेंसी का अपडेट देखने को मिल सकता है। इस बहाली की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। क्या बदलाव हो रहे हैं भाई? तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी की मेघा सूची पूरी पारदर्शी होगी। पहली चीज तो यहाँ पे पारदर्शिता की बात की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि कोई धांधली नहीं हो। अब उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि असामाजिक तत्व होते हैं, जो कि सेटिंग से किसी का यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि यहाँ पे पारदर्शी हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यहाँ पे जो विभाग के मंत्री बदल चुके हैं, और नए शिक्षक भर्ती और नए शिक्षक मंत्री भी आ चुके हैं। वैसे तो नियमावली लाई गई है यहाँ पे, देखिए नया नियमावली आ चुका है, और अंतिम रूप से ये देकर कैबिनेट में ले जाने के देर हो रही है फिलहाल। अभी आपको बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। मतलब समझ रहे हैं, बीटेट भी पास हैं, वो सीटेट भी पास हैं, है ना? और यहाँ पे 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं, और प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात कर ले तो वहां 1 लाख रिक्रूटमेंट है। तो योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसको आवेदन कीजिएगा। और जो ये कुल मिला के देखिए ना, यहाँ पे अगर बात करें हाई स्कूल्स की, तो वहां पे 75 से 80 हजार, है ना, लगभग 80 हजार रिक्रूटमेंट वहां भी है। तो हाई स्कूल्स की तरफ से जो भी नियमावली है उसके तहत अगर आपकी योग्यता यहाँ पे रखते हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पे
प्रोसेस है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर टीचर का भी वैकेंसी के बारे में बताया था, विद्यालय परिचारी के बारे में बताया था, तो उनके लिए अलग अलग योग्यता है। अब जो कंप्यूटर टीचर वाले आवेदन करेंगे उनको बी बी यहाँ पे बीएड की जरूरत ही नहीं है, वो अगर बी बी टेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से तो आवेदन कर सकते हैं, तो एमसीए किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो उनको सिर्फ एक एग्जाम पास करना होता जो कि एसटीटी 2019 का जैसा हुआ था, हो सकता है कि ये 2022 में एसटीटी फिर से लिया जाए और नए छात्रों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और वो एक आपका पात्रता है, यानी कि आप उसको पास किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। ध्यान रखिए, जैसे कि आप सेंट्रल लेवल पे सीटेट एग्जाम देते हैं, उसी तरह स्टेट लेवल पे बीटेट या फिर एसटीटी देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये 75 से 80 हजार सीट यहाँ खाली है, 1 लाख सीट यहाँ खाली है, तो लगभग 1.25 लाख है यहाँ पे सीट खाली, और अभ्यर्थी कितने हैं तो 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। अब जब इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा तो इनकी योग्यता देखी जाएगी, अगर ये योग्य होंगे तो इनको रिक्रूट किया जाएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि ये जो है ना अगस्त के अंत में ही प्रारंभिक और सितंबर के अंत तक जो है हाई स्कूल की वैकेंसी आ जाए, यहाँ पे ये प्रस्ताव रखा जा रहा है। यह सरकार जो है जो बदलाव कर रही है कि इसी आपको अगस्त या सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि देखिए सरकार के ऊपर दबाव भी है कि हमें जो है नौकरियां देना है, और नौकरियों के बात करते हुए ही ये सरकार आई है। जिस दिन से गठबंधन की नई सरकार बनी है ये लोग नौकरी की ही बात कर रहे हैं, और छात्र भी यहाँ पे नौकरी के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। तो इंतजार थोड़ा करने का बोला जा रहा है कि इंतजार कीजिए, आप लोगों के लिए अपडेट जल्द ही यहाँ पे आएगा। अब देखिए जो नियमावली को लेकर यहाँ पे क्या बदलाव हुए हैं, उसके क्या प्रावधान बने हैं, यहाँ पे जानना जरूरी है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो नियमावली है ध्यान से सुन लीजिएगा। मैट्रिक, इंटर और जो प्रशिक्षण के प्राप्त, यानी प्रशिक्षण क्या आपका बीएड, ठीक है, अंकों के योग पर 3 से भाग देने पर मेगा अंक आएगा, और ये जो है आपका 40% से निकलेगा तो यहाँ पे निकाला जाएगा, और बीटेट या सीटेट अगर पास है तो उसका 60% जो है अंक निकाल के फाइनल सूची बनाया जाएगा। तो ये प्राइमरी स्कूल का जो नियमावली है यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें कोई नहीं बता रहा है, और मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि अगर आप मैट्रिक इंटर तो पास होंगे ही, और जो आपका बीएड का डिग्री है उसका अंक मिला के, तीनों का अंक मिला के है ना, उसको क्या किया जाएगा, तो उसको तीनों के से भाग दिया जाएगा, है ना, तीनों के योग से भाग दिया जाएगा, है ना, कंप्लीटली, और फिर जो है इससे 40% अंक निकाला जाएगा। अब इससे 40% जो अंक निकलेगा उसके आधार पे, और प्लस जो छात्र सीटेट या एसटीईटी दिए हैं उससे 60% एक्यूरेसी निकाला जाएगा, मतलब उसका अंक का 60% उसको जोड़ा जाएगा, तब आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। कक्षा 6 से 8 के लिए अगर हम बात करें तो स्नातक और जो आपका बीएड है उस दोनों डिग्री का निकाल के, है ना, प्राप्त अंक जो है आपका जो दोनों का अंक आया हुआ है उसको 2 से भाग दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 40% निकाला जाएगा उसका, जो दोनों का आपका बीएड और स्नातक का जो डिग्री है उसका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके ऐड किया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा और उसका 40% निकाला जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे 60% आपका टीटी या एसटीटी जो दिए हैं छात्र उसका मार्क्स निकाल के उसको कंक्लूड करके ऐड किया जाएगा, और फिर आपका कक्षा 6 से 8 का यहाँ पे जो है मेघा सूची बनेगा। कक्षा 9 से 10 की बात कर ले तो यहाँ पे स्नातक और जो आपका बीएड है इसको दोनों को जोड़ा जाएगा सेम यहाँ पे भी, और 2 से भाग दिया जाएगा और 40% यहाँ पे जो है अंक निकाला जाएगा, और फिर जो छात्र इसके बाद एसटीटी दिए हैं उनके अंक को जोड़कर फाइनल इनका मेगा सूची बनेगा। तो ये कक्षा 9 से 10 वाले जो छात्र हैं इनके लिए बड़ा अपडेट है भाई, कि आपके पास 1 लाख लगभग 75 से 80 हजार सॉरी 1 लाख नौकरी है यहाँ पे प्राइमरी शिक्षकों के लिए, जो कि यहाँ पे 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए अपडेट की जाएगी। और जो प्लस टू लेवल पे यानी कि 12th लेवल पे है वहां पे 80,000 की वैकेंसी है जिसका अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा, तो उसका नियमावली भी है यहाँ पे। देखिए कक्षा 11 से 12 के लिए जो आपने पीजी किया है यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे, और साथ में जो आपका बीएड का डिग्री है उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर 40% निकाला जाएगा, और 60% जो है हिसाब निकालकर यहाँ पे जोड़ा जाएगा आपका जो एसटीईटी का अंक है। तो यहाँ से इस तरह से आप 12th लेवल पे जॉब पा सकते हैं। और जो अतिथि शिक्षक के बारे में अपडेट किया गया है इसका वेटेज कैसे मिलेगा, तो उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं अगर, यानी कि एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पे आपको हर साल का 5 अंक मिलेगा और इसका वेटेज मिलेगा, और भूतपूर्व सैनिक हैं अगर या विधवा हैं तो उनका 10 अंक का वेटेज यहाँ पे उनको मिलेगा। तो ये चीजें आपका कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ में आपको जो है आपका एक्सपीरियंस और आपका क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन करके इनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इनका तो खैर जो अतिथि शिक्षक का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है, कुछ साल के लिए है ना कार्य इनका अच्छा लगता है तो इनको रेगुलर रखा जाता है, ध्यान रखिएगा।
तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपको अप टू डेट किया गया है इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, जो कि हमने आपको बताया है कि पौने 2 लाख नौकरियों के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी अभी आएगी और ये जो है अगस्त या सितंबर के अंतिम तक हो सकता है कि आपको एक बड़ा न्यूज और नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 7वें चरण में यहाँ पे ये वैकेंसी का अपडेट लिया जाएगा, जिसमें कि जो एसटीईटी 2019 छात्र पास हैं उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और जल्द ही उनको नौकरी मिले जो कि यहाँ पे पास है और मेरिट में है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों एक नई वैकेंसी के ऊपर, जहां पे बात हो रही है राजस्व विभाग में करीब 2700 नए पदों का सृजन हुआ है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2700 पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और आरक्षण के रूपरेखा तय भी हो चुकी है। संभव है कि इसी सप्ताह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो नया नोटिफिकेशन राजस्व विभाग में आपको मिल सकता है देखने को, जहां पे विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए सभी नियुक्तियां संविदा पर आधारित होंगी और भूमि सर्वेक्षण के पूरा होने पर है ना ये पद समाप्त कर दी जाते हैं। तो ये अभी ये इस नियमावली में ही ऐसा अपडेट है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यही जॉब होता है, ठीक है, और इसकी घोषणा पहले ही की गई थी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इसके चालू वित्त वर्ष के बजट में ही धन की जो भी प्रावधान थे उसको देखा और उसके अनुसार ही ये वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बताएं तो अमीन कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 2700 वैकेंसी जो है पद सृजन हो चुके हैं और इसकी जो आवश्यकता है इसलिए पड़ रही है क्योंकि पहले नियुक्ति हुए कर्मी दूसरे सेवाओं में चयन है और बाद उसके बाद जो है नौकरी छोड़कर चले गए हैं, यानी कि जो सिलेक्टेड लोग हैं कहीं और नौकरी उनकी लग गई होगी और वो चले गए, तो अब यहाँ पे सीट खाली है। तो इसके अलावा 200 से अधिक कर्मी जो है नियुक्ति के समय फर्जी सर्टिफिकेट देने के कारण हटाए भी गए हैं और सूत्रों के अनुसार बताया तो 20 के अलावा 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है और इसके लिए जो प्रयास होगा इसकी नियुक्ति प्रक्रिया अधिकतम 3 महीने के भीतर कर ली जाएगी, यानी कि अभी आपको अगले हफ्ता नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे ये दैनिक जागरण का अपडेट है और बताया जा रहा है और इसमें बोला जा रहा है कि 3 महीने के अंदर जो है इसका जो है सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसके लिए आपको स्नातक और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग के डिग्री धारकों को भी अवसर मिलने जा रहा है, यानी कि जो छात्र ग्रेजुएट हैं और इंजीनियर हैं उनको और डिप्लोमा वाले को भी यहाँ पे अपडेट मिलता है, जो कि भूमि सर्वेक्षण कानूनों का यहाँ पे अपडेट है, तो डिप्लोमा वाले छात्र भी इसको आवेदन करते हैं। तो राजस्व विभाग में 2700 पद का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सारी चीजें खत्म होती हैं लेकिन एक अपडेट और है, सीटेट जो सीईटी जो एग्जाम है उसको लेकर, सीईटी जो एग्जाम है उसको लेकर, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है दोस्तों सीईटी, जो कि 2 साल हो गए हैं लेकिन यहाँ पे ना तो पेपर पैटर्न आया है और ना ही सिलेबस घोषित किया गया है, कैसे परीक्षा होगी इसके ऊपर भी यहाँ पे एक न्यूज नोटिफिकेशन आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहाँ पे मई में घोषणा किए थे कि जो अराजपत्रित पदों पर प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, यानी कि सीईटी के बारे में आप लोग सुने होंगे, यानी कि एक ही एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, रेलवे का दीजिए, एक ही एग्जाम होगा और ये जो है 2022 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 2022 भी अब समाप्त होने को आ गया है और इसकी आयोजन यहाँ पे कब तक होगा, बजट में भी इसको जबकि पास किया गया था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाए और उसकी घोषणा की गई थी। नॉन गजटेड पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सीईटी आयोजित करवाने वाले एक आत्मनिर्भर और विशेषज्ञ संस्थान के रूप में भी यहाँ पे एनआरए को विकसित किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। अभी आपका जिस तरीके से जिस प्रोसेस से एग्जाम चल रहा है उसी प्रोसेस है, चूंकि ये जो बहाली की प्रक्रिया जो सीईटी का लेने था ना, ये 2019 से ही हवा में है कि ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा एग्जाम होगा, लेकिन केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर रही है, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ पे प्रक्रिया अभी बढ़ी नहीं है, ना तो अब तक परीक्षा की तारीख आई है और ना ही इसका कोई पैटर्न घोषित किया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर ये सोचना चाहिए केंद्र में और पूरे देश भर का ये अपडेट है, इसलिए यहाँ पे आपको बता दें कि इसके ऊपर अगर कार्य हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे सीईटी के जरिए और वो फिर अन्य जो विभाग है उनमें यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये इसलिए यहाँ पे अपडेट आया है क्योंकि देखिए मोदी जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है ना, 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है जो कि 1.5 साल में कंप्लीट किया जाए और ये उसमें एक बड़ा अहम रोल निभा सकता था, लेकिन अभी तक इसी का एग्जाम पैटर्न या नियमावली कुछ बना नहीं है, इसलिए इसका कोई अपडेट अभी हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था इसको लेकर, और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है उन छात्रों के लिए जो कि विज्ञापन संख्या 3/2022 के तहत खाद विश्लेषक है ना पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे
अभ्यर्थी द्वारा अपने प्राप्तांक और कोटिवार जो है आपत्ति है तो आप लोग जो है 19 सितंबर 16 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपको देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थी के जो भी प्राप्तांक हुए हैं और कोटिवार यानी कि जो आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे अन्य विवरण है वो वेबसाइट पे डाला जा रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए आज, है ना। BTSC से ये वैकेंसी थी दोस्तों, जो कि खाद्य विश्लेषक का वैकेंसी था, जिसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे भी जाके। ओके, तो ये 3 से 4 अपडेट थे दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कोई अगर आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।